ये आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे ये नीला सैलाब गवाही दे रहा है कि जनता ने तय कर लिया है। सर आप ठीक हैं? हमसे भी दोस्ती निभा लो मेरे दोस्तों, भी मांगने के लोग ज्यादा दिन दिया नहीं करते। गाड़ियों चलो, बाकी का रोड शो गाड़ियों से करेंगे। चलो सभी जगह जाना है, चलिए अपने अपने व्हीकल में पहुंचे। चलिए तो इस वक्त मैं गोरखपुर में हूं और मेरे साथ जो शख्स हैं उसे देखकर आप पहचान चुके होंगे, चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे रहे हैं। आजाद भाई, क्या हालचाल, कैसी तबीयत है, सब ठीक ठीक है? जय भीम बा। गोरखपुर में नीला चल रहा है और गोवा को नीला नहीं, भगवा उनका नहीं है, भगवा तो बुद्ध से आया है। वो तो जबरदस्ती देश की व्यवस्था में हमारे जो पुराने जो संस्कृति है, अस्त्र है, शस्त्र है, पुरानी जो पहचान उनको चुरा लिए, तो ये तो बौद्धिस्टों का वो है भगवा गेहुआ, ये नीला समानता का है। तो हमने प्रयास किया था लगातार जो है, जब हम फील्ड हमारे वर्कर फील्ड में तो एक ये डर की बात आ रही थी कि भाई मुख्यमंत्री मुकदमा लगा देते हैं, इसलिए सामने कोई नहीं आएगा, वोट देंगे। तो मैंने कल परसों मीटिंग करके फैसला लिया कि जो हमें वोट देगा वो सामने भी आएगा, तो इसलिए हम एक रोड शो रखते हैं और जनता से अपील करते हैं कि वो आए। और हम लोग सफल हुए कि जैसे रोड शो की संभावनाएं जाहिर हुई, उसकी परमिशन हुई, वो आम आदमी के बीच में आई, तो जनता जो है सड़कों पे आ गई। और आज ये सहारनपुर से 1200 किलोमीटर दूर गोरखपुर में ये जो जन सैलाब आप रोड सड़क पर देख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने विश्वास दिखाया। अब इस विश्वास पर खड़े उतरना है और जो यहाँ की परेशानियां हैं उनको दूर करना है। ये जन समर्थन जो है वोटों में तब्दील होगा, क्योंकि लड़ाई योगी से है। नहीं नहीं, योगी से नहीं है लड़ाई, एक ढोंगी से। ना वो संत है ना मुख्यमंत्री, वो तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, वो तो सत्ता के दम पे दमन करते हैं। जबकि सच ये है, ये गोरखपुर हमारी धरती है, संतों महापुरुषों की धरती है, और वो अन्याय करते हैं यहाँ बैठ के सत्ता कुर्सी पे। तो यहाँ की जनता ने मन बना लिया, वो वोट के जरिए सबक सिखाए, लोकतंत्र है, यहाँ वोट से ही वो मुझे ताकत देंगे। और जब उन्होंने ताकत देने का मन बना लिया है, तो उस ताकत के जरिए जो परिवर्तन होगा वो गोरखपुर की जनता के लिए होगा।
और मैंने तय किया कि अब मैं गोरखपुर ही रहूंगा, दो महीने में गोरखपुर में मकान बनाना है, एक छोटी सी कुटिया जहाँ रह के यहाँ की जनता की समस्याओं के लिए लड़ा जा सके। मेरे चुनाव रिश्ते नहीं है गोरखपुर से, एक गरीब के बेटे को इतना सम्मान प्यार अगर गोरखपुर ने दिया, पैसे भी दिए, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये अभी फील्ड से मिले, तो वोट और नोट दोनों दोनों 2000 रुपए 2000 वोट। अच्छा। ये सड़क से आई अभी, आज के इस जन सैलाब को देख के लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को जवाब देना है, क्योंकि लोग डरते हैं कि वो आदमी निर्दोष लोगों के मुकदमे लगाता है, उन पर राशुका लगाता है, उनकी हत्या कराता है, लेकिन अब उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, उनका भाई साथ खड़ा, मैं यहाँ नेता बनकर ही उनका बेटा बन के आया हूँ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। आप तो 2000 रुपए दिखा रहे हैं नोट, लेकिन योगी ऐसे पानी की तरह बहा देंगे, उनके पास कमी थोड़ा ही है। 3 दिन से पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, खूब पैसा मार रहे हैं, तो फिर कैसे टक्कर ली? जिनके पास वोट नहीं है, जिन्होंने दमन किया, वो पैसे की ताकत से ही वोट को छीनना चाहते हैं, अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि हम काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे समाज को ना बिकने वाले समाज के रूप में तैयार कर रहे हैं। नोट जिनको देंगे वो भी वोट हमको देंगे। चलने का क्या लोगे सौरभ? तो पिछले दिनों का चुनाव प्रचार का अनुभव कैसा रहा? यहाँ की जनता ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा है, नोट भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, आराम से सौरभ, सब कुछ, एक प्यार, एक घर जैसा माहौल जिसकी उम्मीद नहीं थी, अपने साधन से सब लोग आके मोटरसाइकिल पैदल से, पूरा दिन हो गया आज, लगभग 10 से 6 बज गए, 8 घंटे हो गए, 8 घंटे से आपका रोड शो चल रहा है। प्यार जो है इसको अदा करना, इसकी कीमत, और जब तक मेरे अंदर साथ रहेंगे मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। तो जीत मिलेगी या फिर पब्लिसिटी मिलेगी, ये जनता तय करेगी। पब्लिसिटी आपके आपके दिल में क्या है? पब्लिसिटी तो इतनी है कि पूरी दुनिया में पहचान है, टाइम्स मैगजीन से अकेला था, और जिस दिन घोषणा की थी उस दिन लोगों को बुखार चढ़ गया था, कई लोगों को पसीने आ गए थे कि ये हटेगा नहीं, लोगों ने डमी प्रत्याशी दिए यहाँ योगी जी को जिताने के लिए, तो हम तो डटके लड़ रहे हैं, जनता ने को विश्वास हो गया कि ये आदमी तो बहादुर है, इसका साथ देना है परेशानियां हल करने के लिए। तो रही बात इसकी, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जीत जाए, इसलिए जनता से अपील कर रहे हैं। जब आए थे लगा तो गोरखपुर पहचानेगा नहीं पहचानेगा, क्योंकि यहाँ तो हर घर में हमारे चाहने वाले हैं, बहने, माए, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, वो भी जानते हैं चंद्रशेखर हो, और तो खुशी होती है काम करने से, पहचान मिलती है और सम्मान भी। मैं कुछ तस्वीरें वीडियो देख रहा था, आप जगह जगह जा रहे थे, नालियां गड्ढे दिखा रहे थे कि ये विकास हुआ है, तो मुद्दा बना पाए हैं क्या? यही मुद्दा बनेगा, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहा था, जनता के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे को ठीक करना है, इनकी परेशानियां हल करनी है, जो विश्वास उन्होंने दिखाया उसको कायम रखना, और हम तो लड़ने वाले हैं, हम तो लड़ने वाले, हमने लड़ना सीखा है, हम इस लड़ाई को मंजिल तक लेके जाएंगे। बाबा की विदाई तय हो रही है गोरखपुर में, बाबा को विदा करने वाले हैं। हाँ। आप यहाँ से वहां तक पीछे कैमरा घुमवाइए, कैसे आप ठीक है ना भाई? धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बड़ा बड़ा सौरभ, सौरभ जब तक मैं ना कहूँ रोका मत करो भाई। ये आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे ये नीला सैलाब गवाही दे रहा है कि जनता ने तय कर लिया है। सर आप ठीक हैं? तो गोरखपुर से आप योगी को विदा करने वाले हैं, आपका दावा है, क्या योगी सरकार को बनते हुए देख रहे हैं? क्या योगी सरकार दोबारा वापसी करेगी सत्ता में? क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है, आपका दावा है कि आप योगी को मठ में वापस ले आएंगे, अगर हम ओवरऑल यूपी की बात करें, क्या बीजेपी की सरकार बन रही है दोबारा? नहीं, बन नहीं रही, जनता ने परिवर्तन तय कर लिया है, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और जो गठबंधन के साथी हैं उन लोगों का सबक सिखाने हैं, क्या करना है उनके बारे में, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? तो जो हमारे गठबंधन के साथी है समाज परिवर्तन मोर्चा के, वो भी लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि उनकी उनके दल ने शामिल नहीं किया, उनको सबक सिखा रहे हैं। सबक इस बार भाजपा को सिखाना, क्योंकि भाजपा से लड़ाई है सरकार उनकी, जो लोग सरकार में नहीं उनको क्या सबक सिखाना, मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, आंदोलन की हक्की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसको जीतने चाहते हैं हम लोग। एक बात बताइए, आखिरी सवाल ले रहा हूँ,
आप अपनी पत्नी को प्रचार में क्यों नहीं लाए? देखिए ये आंदोलन मेरे लिए सामाजिक परिवार, और मैं नहीं चाहता कि ये आंदोलन में तमाम तरह के संघर्ष हैं। मैं व्यक्तिगत अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस आंदोलन में, क्योंकि ये परिवारवाद का आंदोलन है ही नहीं। ये तो आंदोलन मेरी पत्नी और मेरी संतान आगे नहीं चलाएगी। जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वो चलाएगा। जिसके अंदर जज्बा काबिलियत होगी, जो अपने आप को मिटाएगा समाज के लिए, वो चलाएगा। अगर परिवार चलते ना तो बहुत लोग सफल हो जाते। ये तो आंदोलन माने और काशीराम साहब कहाँ चलाए, उनके बाद के जो दूसरे लीडर हमारे नेता रही है वो कहाँ चलाए, तीसरा कोई कहाँ से पैदा हो कहाँ चलाएगा, ये समय तय करेगा। तो मैं अपने इस लड़ाई को इस परिवार के सहारे लड़ रहा हूँ। मेरा ये बड़ा परिवार है जिसके लिए मैंने उस परिवार को पीछे छोड़ा हुआ है। मैंने इसी हफ्ते में एक साल पहले फरवरी के लास्ट वीक में आपसे मुलाकात करते हुए इंटरव्यू किया था, सवाल पूछा था ब्याह करोगे, आप बोले थे करूंगा, बताऊंगा जब करूंगा। बताया नहीं, लोग कह रहे हैं कि छुपाने की क्या बात थी इसमें? छुपाने की बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को इस राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा परिवार इस राजनीति का शिकार, उनके लिए पास कोई सुरक्षा नहीं है, और मेरे लिए रोज गोलियां तैयार, रोज धमकियां सब चीज रहती। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार जो है ना कहीं इस अन्याय का शिकार हो जाए। वो घर है और वो अपने घर पर रह के अपनी जिंदगी को आगे जी रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान। मैं महलों में नहीं रहता हूँ, राजमहलों में मेरा एक छोटा सा घर है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा जी। तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि आदमी का परिवार की ताकत भी होती है, कमजोरी भी जी। इसलिए मैंने इस समाज को परिवार माना, और मैं तो अपनी माँ से भी कह गया कि मुझे मरा हुआ समझ के काम करना, क्योंकि इस आंदोलन में मैं जहाँ आया हूँ ना, ये सामंत का गढ़, यहाँ कभी भी नुकसान हो सकता है। तो मैं अपनी लड़ाई को अपने इस परिवार के कंधों पर, इनके कंधों के सहारे लड़ रहा हूँ, और यही मेरा परिवार। मैं यहाँ जन्मा, यहाँ से पहचान मिली, इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो चंदे चुनाव लड़ रहा हूँ। आप बता दूसरा कोई जो चंदे चुनाव लड़ रहा हो। इसलिए लड़ रहा हूँ कि और गरीब लोग भी तैयार हों, और वो डरे नहीं, पैसे के तंत्र से ना डरे, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए। और जो कहते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं, देखना सैलाब, ये पैसों पे नहीं आया, ये अपने प्यार से आया, ये मोहब्बत से आया, ये भरोसा करता है चंद्रशेखर पे, इनके लिए चंद्रशेखर है, बड़े बड़े महल वालों के लिए नहीं है। ये भरोसा पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। क्या आजाद समाज पार्टी जो है, क्या उसका नतीजे रह सकते हैं कुछ ऐसी? ये जनता तय करेगी, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने मेहनत की है, भीम आर्मी ने मेहनत की है, और वो अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हो, लड़ रहे हैं। हम तो 5 साल लड़े हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप ईमानदार पत्रकार हैं, समाज के बुनियाद भी हैं। मैं दो आंदोलन मुझे आप बताइए, जो ठेकेदार हैं दलित पिछड़ों के, पिछले 5 साल में जितने अन्याय हुए, दो आंदोलन में सड़क पर उतर के वो समाज के साथ विश्वास दिखाए हों कि हम आपके पीछे खड़े हैं। मेरा आपसे सवाल, नेशनल लीडरशिप तो उस तरह से नहीं दिखी, नेशनल लीडरशिप जैसा मामला, इतने लोगों की हत्या और इतने लोगों पर झूठे मुकदमे राशुका लगी, नेताओं क्या जिम्मेदार थी? उनकी मदद करते या कहते हमारा मतलब नहीं है? CA NPR NRC आया, रविदास मंदिर का मामला था, किसान आंदोलन आया, 29 शिक्षक भर्ती आंदोलन, आप सब आ गए ठेकेदार के, हमें दो। मैं पूछता हूँ, एक नेता इनके गरीबों के साथ खड़ा था क्या? तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, आज भी चंद्रशेखर खड़ा, आगे भी चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। अमीरों को ये मुसीबत होगी कि गरीब का बेटा आगे क्यों बढ़ रहा है, तो जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मेहनत कभी छिपती नहीं है, मुझसे पहले बहुत सारे लोग पढ़ते। हाँ मैं ये सही कह रहे हो, मैं बंद कराता हूँ इसे। ठीक है, बस आखिरी सवाल, योगी को कितने वोटों से हराएंगे, एटलीस्ट भविष्यवाणी कर दीजिए। नहीं, मैं भविष्यवाणी भरोसा नहीं रखता, अम्बेडकरवादी हूँ। मैं मेहनत भरोसा रखता हूँ, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मेहनत के दम पे यहाँ तक आया हूँ। ये जो पहचान बने मेहनत के दम पे, आगे भी जो बनूंगा मेहनत के दम पे, दया पे नहीं बनूंगा, किसी मिश्रा जी के चरण पकड़ के नहीं बनूंगा। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने दावा किया है कि वो अपनी मेहनत के दम पे योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये यूपी के इतिहास में एक अनोखी घटना होगी। क्या नतीजे रहते हैं 10 मार्च को पता चल जाएगा। इस बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी साथियों।